हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम देख रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन लेक्चर नंबर थर्ड। ठीक है, इसी फ्लो में आपको करते जाना है। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था बेटा, वीवीटी और वीएसईपीआर को कर लिया था। ठीक है, उससे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना, शेप, ज्योमेट्री, वो सब मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ले गया था आपको। उसके बाद जो लेक्चर था वो, उसमें हमने एमओटी को देख लिया था, एमओटी थियोरी को देख लिया था। ठीक है, एमओटी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। अब हम थोड़ा सा और डायपोल मोमेंट और बेंट रूल से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है ना, मैं आपको साइड में थियरी भी समझाता जाऊंगा, आपको बस इस तरीके से समझते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहला एक क्वेश्चन हम एमओटी से रिलेटेड लिख लेते हैं। ठीक है ना, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपको कुछ मॉलिक्यूल दिया गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लोगों को लिखना है। अब देखो यहाँ पर पहला आपको लिखना है बी टू नहीं, पहले आपको लिखना है सी टू का, और दूसरा आपको लिखना है बच्चों यहाँ पर, दूसरा आपको लिखना है यहाँ पर आप लोगों को सी टू, और आप लिखिए यहाँ पर ओ टू का। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एक्चुअली मैं आप देखो बी टू सी टू, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरीके से लिखोगे, देखो ध्यान रखो। सबसे पहले ये आपका डाई एटोमिक है, ये आपका डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है। अब देखो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम कौन सी थ्योरी लगाते हैं, एमओटी थ्योरी। अब देखो तुम्हें यहाँ पर एमओटी थ्योरी से हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कार्बन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताऊँ तो कितने होंगे बेटा, एक कार्बन में 6 होते हैं तो 2 में कितने होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 में कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है, दो में कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि अगर 14 से कम होता है, तो उसके लिए हम कौन सा मिक्सिंग लेते हैं बेटा, विद 2s2p मिक्सिंग वाला लेंगे। ठीक है, ये वाला लेंगे। और हमारा अगर 14 से कम होता है तो हम कौन सा लेते हैं, विदाउट मिक्सिंग। कौन सा लेते हैं बच्चों, विदाउट 2s2p मिक्सिंग वाला हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, अगर मुझे ज़बरदस्ती दिया गया हो तो विदाउट 2s2p मिक्सिंग वाला लेंगे, तो वही वाला आप लोग यहाँ पर ज्योमेट्री डिसाइड करोगे। ठीक है, अब देखो फटाफट अब देख लेते हैं यहाँ पर, विद 2s2p मिक्सिंग, मतलब विद 2s2p मिक्सिंग में क्या होगा बच्चों, दो ऑर्बिटल पहले नीचे आएंगे, फिर एक आएगा, फिर दो ऑर्बिटल नीचे आएंगे, फिर एक आएगा, ये होगा, ये आपका एनर्जी का ऑर्डर होगा। और विदाउट 2s2p में क्या अंतर आ रहा है बच्चों, देखो ना अंतर कहाँ आ रहा है, अंतर यही आएगा इन दोनों में। देखिए एक दो तीन चार, अब देखिए यहाँ अंतर आएगा 5 6 7 8 9 10, ये अंतर आएगा। ठीक है, अब देखो C2 में कितने हैं, सबसे पहले इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिग्मा वन एस, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार वन एस, ये ABMO वाला होगा, स्टार वाला होगा तो, और ये BMO वाला होगा, और इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा टू एस, ये हो जाएगा बेटा आपका BMO वाला, और इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार टू एस, इसको क्या बोलेंगे, ABMO वाला। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा Pi2PY। ठीक है, ये पाई वाला होगा, और साथ में क्या होगा, Pi2PZ वाला। अब जेड और वाई पाई बना रहे तो सिग्मा कौन बनाएगा, एक्स बनाएगा, तो यहाँ पर Pi2PX आपका सिग्मा होगा, यहाँ पर क्या होगा, Pi*2PY, और यहाँ पर क्या होगा, Pi*2PZ। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा स्टार स्टार वाला होगा ABMO, ये ABMO है, ये भी आपका ABMO होगा। ठीक है, Pi*2PX, ठीक है, ये आपका होगा BMO, ये आपका होगा BMO। ठीक है, आप भरते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, इसमें कितने, 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन भरते हैं बच्चों हम, एक
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरीके से भरे। अभी बताओ क्या ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? ये आपका दिख रहा है सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये डायमैग्नेटिक होगा। तो सी टू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हम कैसे लिखेंगे? देखो अब सिग्मा वन एस टू, आगे क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा स्टार वन एस, कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। तो वो वन सिग्मा स्टार वन एस टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्मा टू एस टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार टू एस टू। दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए ना यहाँ पर, तो दो भर दिए। यहाँ पर क्या होगा? दोनों एक ही एनर्जी लेवल है, दोनों का एक ही एनर्जी लेवल है ना, ये क्या हो जाएगा? ये आपका एनर्जी लेवल है, ये दोनों एक ही एनर्जी पे लाई कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? पाई टू पी वाई टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई टू पी जेड टू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्मा टू पी एक्स जीरो, इस तरीके से आपका चलेगा। आगे क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो? यहाँ पर पाई स्टार टू पी वाई टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई स्टार टू पी जेड टू, इस तरीके से आपका चल, सॉरी यहाँ पर तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो यहाँ पर जीरो और जीरो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सी टू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। ये तो हो गया हमारे सी टू के केस के बारे में। अब मैं बात करता हूँ ओ टू के केस के बारे में। तो ओ टू के केस में कैसे लिखूंगा बच्चों? ये हो जाएगा सिग्मा वन एस, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार वन एस, ये हो जाएगा सिग्मा टू एस, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार टू एस। अब मैं ए बी एम ओ बी एम ओ नहीं लिख रहा, अब आपको समझ में आने लग गया होगा। यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा टू पी एक्स नीचे आएगा, यहीं पर अंतर होता है। देखो ना यहाँ पर दो एक दो एक, यहाँ पर एक दो एक दो एक, इस तरीके से यही डिफरेंस होता है विदाउट मिक्सिंग और विद मिक्सिंग में, ठीक है। अब देखो सिग्मा यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो? पाई टू पी वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई टू पी जेड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी जेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार टू पी एक्स। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन भरने बच्चों यहाँ पर O2 में? 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं हम, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, 16 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। अब ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? आप देख सकते हो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा बच्चों? आपका पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा बच्चों? मैं देख लेते हैं यहाँ पर, बोलो कि कैसे लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका? सिग्मा वन एस टू, ठीक है। बी ओ टू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं कैसे लिखूंगा? सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू, सिग्मा टू एस टू, सिग्मा स्टार टू एस टू, ठीक है। सिग्मा टू पी एक्स टू, ठीक है। फिर इसके बाद दोनों का एनर्जी लेवल सेम रहेगा, पाई टू पी वाई टू, पाई टू पी जेड टू, ठीक है। ये हो गया आपका, तुरंत आपका बन गया। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो? पाई स्टार टू पी वाई वन, पाई स्टार टू पी जेड वन, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? सिग्मा स्टार टू पी एक्स जीरो। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तरीका आप लोग ध्यान रखो, MOTs के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सारे बता दिया। अब हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर बेंट थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो बेंट थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही है कि आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। समझ लो बस, बेंट थ्योरी आप लोग समझ लो। वैसे काफ़ी इजी है, तुमको एक आप लोगों को एक लोग एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखो क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द करेक्ट मॉलिकुलर ज्योमेट्री ट्री ऑफ फॉलोइंग, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? PCl3 और F2। अब इसका करेक्ट जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, करेक्ट शेप क्या होगा वो मैं बता देता हूँ, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। अब बनाना है आप लोगों को, ये Cl है, यहाँ पर F है, यहाँ पर F है,
यहाँ पर सी एल ए, यहाँ पर सी एल ए, ए बी ऑप्शन पी, यहाँ पर एफ ए, यहाँ पर सी एल ए, यहाँ पर आपका सी एल ए, यहाँ पर एफ ए, यहाँ पर सी एल ए, ठीक है। सी आपका है बच्चों यहाँ पर, यहाँ पर आपका सी एल ए, यहाँ पर आपका सी एल ए, यहाँ पर पी ए, यहाँ पर सी एल ए, यहाँ पर एफ ए और यहाँ पर एफ ए, ठीक है। डी आपका है नन ऑफ दीज, डी आपका है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से समझते हैं, बेंट थियरी से। कौन से थियरी से? बेंट थियरी। अब देखो बेंट थियरी आपको मैं अभी अभी समझा देता हूँ। बेंट थियरी क्या होता है? बेंट थियरी से हम बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। बेंट थियरी में आपको समझा देता हूँ, बेंट थियरी में आपको समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन और लूंगा मैं वो एग्जाम्पल में, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बेंट थियरी, बेंट थियरी आपका क्या होगा? सिंपल समझना है बच्चों यहाँ पर इसको। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बेंट थियरी से भी सोल्व कर सकते हैं, और भी मेथड है, लेकिन हम लोग, मैं आपको बेंट थियरी स्पेशल केसेस वाला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेंट थियरी में जनरली हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, आपका ले लेते हैं हम लोग लोन पेयर, लोन पेयर को कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर हम किसको कंसिडर करते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक है। फिर हम किसको कंसिडर करते हैं यहाँ पर? फिर हम कंसिडर करते हैं सिग्मा बॉन्ड को। अब मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या होता है बेंट थियरी, आपको फील आ जाएगा, ठीक है। तो बेंट थियरी के हिसाब से बच्चों समझो यहाँ पर कि जैसे ये मेरा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम से मेरा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है एस ए, ये वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है एस ए वन, ये वाला यहाँ से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कौन सा है एस ए टू, ठीक है। अब समझो एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल, स्फेरिकल, ठीक है। पी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा? डम्बेल, मतलब इसमें लॉन्गिट्यूडिटी होती है, इसमें आपकी क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिटी होती है, और इसमें स्फेरिकल शेप होता है। अब समझना, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एस ए वन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एस ए टू, अब एस ए टू की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एस ए वन, तो क्या क्या होगा? अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो सेंट्रल एटम इसको अपनी ओर खींचेगा, सेंट्रल एटम इसके इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ खींचेगा? अपनी ओर। और जैसे ही सेंट्रल एटम इसको अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करवाएगा, तो क्या होगा? ये ऑर्बिटल आपका थोड़ा सा स्फेरिकल शेप का आ जाएगा, ये फिर आपका थोड़ा सा पास जाके स्फेरिकल बन जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाएगा, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाएगा, बात समझ में आई। अगर यहाँ पर एस ए वन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एस ए वन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अब देखो एस ए वन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लॉन्ग आपका हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा तो लॉन्गिट्यूडिटी किस में होती है? पी कैरेक्टर में, तो यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाता है। एक्चुअली अब आपको समझ में आया होगा, ये मैंने सिग्मा बॉन्ड वाले के केस में बात कर लिया, सिग्मा बॉन्ड वाले के केस में इस तरीके से हमको डील करना है, ठीक है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। एक और कंडीशन में बता देता हूँ यहाँ पर, दिस इज अ केस वन एंड दिस इज अ केस टू। केस टू का मैं आपको बताता हूँ, केस टू में मैं अब आपका लोन पेयर लूंगा। क्या लूंगा? लोन पेयर। अब देखो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है, ये मेरा लोन पेयर है, ये मेरा एस ए वन है और ये मेरा आपका एस ए टू है। अब आप ही को बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एस ए वन को मैंने ज़्यादा कर दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एस ए टू, मतलब साइड एटम, साइड एटम, एस ए टू का मतलब साइड एटम, ठीक है, कंप्लीट सिंपल कंसेप्ट है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? आपके एस ए वन की है, तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिटी बढ़ेगी, लॉन्गिट्यूडिटी बढ़ेगी, इसका मतलब परसेंटेज पी कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर एस ए टू का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये अपनी ओर खींचेगा इस तरफ, तो ये किसा शेप का हो जाएगा बच्चों? ये आपका डम्बेल शेप का हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा, और स्फेरिकल शेप का होने की वजह से यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाएगा। लेकिन आप ये बात जान रहे हो कि सेंट्रल एटम का न्यूक्लियाई, सेंट्रल एटम का न्यूक्लियाई, ये जो
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर ज़्यादा खींचेंगे, इसको अपनी ओर ज़्यादा खींचेंगे, और जब यहाँ पर अपनी ओर ज़्यादा खींचेंगे तो यहाँ पर आपका इसकी लॉन्गिट्यूडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर आपका बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके जो अकेले यहाँ पर जो पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको ज़्यादा खींचेंगे, किसका, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम ज़्यादा खींचेगा, सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाएगा, मतलब जितना स्फेरिकल शेप होगा, जितना आपका शेप आपका स्फेरिकल में होता जाएगा उतना आपका परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, और जितना लॉन्गिट्यूडिटी की क्रिएट होगी, लॉन्गिट्यूडिटी क्रिएट होगी यहाँ पर, तो उतना आपका परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। पहला कंसेप्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मैंने साइड एटम को देखा, अब यहाँ पर लोन पेयर को देखा। अब आपसे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर क्या लोन पेयर से परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है ज़्यादा या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से? तो ध्यान रखना, लोन पेयर का परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा बढ़ेगा लोन पेयर की वजह से, देन आपका किससे बढ़ेगा, साइड एटम से, ठीक है, देन आपका बढ़ता है बच्चों मल्टीपल बॉन्ड से, मल्टीपल बॉन्ड से, और मल्टीपल बॉन्ड के बाद आपका बढ़ता है साइड एटम से। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, फोकस करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, काफ़ी इजीली कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये केस वन केस टू आप लोग समझ गए, ये नोट डाउन कर लो, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को डील करूंगा इसी थियरी से इजीली। यहाँ पर इतना सा ही आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं है, काफ़ी इजी कंसेप्ट से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आसानी से सिंपली। अब देखो, एक क्वेश्चन मैंने लिया, यहाँ पर सेंट्रल एटम, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ SA1 जुड़ा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ SA2 जुड़ा है, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड के साथ SA3 जुड़ा हुआ है, अब यहाँ पर एक बॉन्ड के साथ लोन पेयर जुड़ा हुआ है। अब मैंने बोल दिया ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है। अब आपसे पूछा गया कि इनमें से किस पर परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, इसमें से किस पर परसेंटेज एस करेक्टर आप लोगों का बहुत ज़्यादा होगा, कैसे निकालोगे बच्चों? मैंने आपको बताया ये लोन पेयर है, ये आपका लोन पेयर है, तो लोन पेयर को सेंट्रल एटम लोन पेयर को अपने पास खींचेगा, तो यहाँ पर स्फेरिकल करेक्टर बढ़ेगा, तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा। अब यहाँ पर एक डाटा मैंने देना भूल गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एस ए वन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एस ए टू से, तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, ये सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इसका लॉन्गिट्यूडिटी बढ़ेगा, तो मतलब इसका मतलब इस पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ेगा। अब एस ए वन एस ए टू की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एटम अपनी ओर खींचेगा, तो इसमें स्फेरिकल करेक्टर बढ़ेगा, तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा। लेकिन ये तो सब तो आपके सिंगल बॉन्ड की वजह से, यहाँ पर डबल बॉन्ड की वजह से पहले लेंथ कम होगा, तो यहाँ पर लेंथ इसका बहुत कम होगा, तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा। तो परसेंटेज पी करेक्टर कहाँ बढ़ेगा आपको समझ में आ चुका है, परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ बढ़ेगा आपको समझ में आ गया है। अब ये पूछा कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ बढ़ेगा, ए में बढ़ेगा, ए के बाद आपका डी में बढ़ेगा, डी के बाद आपका सी में बढ़ेगा, सबसे लीस्ट आपका बी में बढ़ेगा। समझ में आया, ये ऐसा कंसेप्ट है। अब आपसे पूछा है ट्रायगोनल प्लेनर शेप में, तो ट्रायगोनल प्लेनर शेप का मैं अब इस क्वेश्चन से लेकर डिस्कस करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन से मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन से कैसे करेंगे डिस्कस, देखो ये आपका पी, ये मैंने कोई एटम मान लिया ए, बी, 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 और ये आपका बी, और ये आपका बी, ये आपका किसकी वजह से होता है, यहाँ इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, एस पी थ्री डी, एक्चुअली ये आपका दो पार्ट में होता है, एस पी टू की वजह से ट्रायगोनल प्लेनर, और एक कौन सा होगा पी डी। अब बताओ परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ ज़्यादा है, परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर आपका ये वन बोल दिया, ये मैंने टू बोल दिया, तो परसेंटेज एस करेक्टर आपका कहाँ, वन में ज़्यादा है टू से, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और इसका मतलब इसकी लॉन्गिट्यूडिटी को बढ़ाता है, लॉन्गिट्यूडिटी को बढ़ाएगा मतलब क्या होगा, वहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली बात यह है कि हमको
हमको हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मुझको कहाँ रखना पड़ेगा, हाई बॉन्ड लेंथ पे। और जानते हो टीबीपी शेप में बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड लेंथ आपकी काफ़ी ज़्यादा होती है बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल से। तो बताओ अब आपको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ रखना पड़ेगा, मतलब जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा वो उसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब आप बता सकते हो कि परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब शेप स्फेरिकल होगा मतलब छोटा होगा, और लॉन्गिट्यूडिटी बढ़ेगी तो परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ेगा। अब परसेंटेज पी कैरेक्टर किस में बढ़ेगा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में या लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में? तो आप पहचान सकते हो यहाँ पर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आपका परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या क्या रखना सही रहेगा, एफ एफ, और बाकी जगह मैं क्या रखूँगा बच्चों, सी एल सी एल। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, सी। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डील किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो आपके एडवांस लेवल पे बन सकता है, मैं वो भी आप लोगों का डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हम डिपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो, अरेंज इन द यहाँ पर विच वन इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका है ऑप्शन, ए ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर, एच सी एच एच एच, दिस इज अ थीटा वन, दिस इज अ थीटा टू। ठीक है, बी ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन मैंने दिया, एन लोन पेयर एच एच एच, दिस इज अ थीटा वन एंड दिस इज अ थीटा टू। ठीक है, सी ऑप्शन मैंने दिया यहाँ पर, ऑक्सीजन एच एच, दिस इज अ थीटा वन, दिस इज अ थीटा टू, दिस इज अ थीटा थ्री। ठीक है, अब आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर मैंने बोला थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, यहाँ पर मैंने बोला थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, यहाँ पर मैंने बोला थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा थ्री। इसके लिए ये मैंने इसके लिए बोला, ये मैंने इसके लिए बोला। डी आपका है ऑल आर करेक्ट, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हमको इस क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी, जब मुझको मॉलिक्यूल के अंदर एंगल निकालना हो तब आपको ये तो लग रहा है 109 है, ये 109 है, यहाँ पर भी आपको ये वाला एंगल। वैसे भी हम जनरली आप इसको VACPR से सोल्व कर सकते हो। तो मैं इसके दो मेथड आपको बताता हूँ, दो साइंटिस्ट से हम अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। मेथड वन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका थीटा वन, हाँ नहीं, यहाँ पर ऐसा होगा और ये होगा बेटा आपका बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेथड वन, अब देखो यहाँ पर क्या है, VACPR थियरी लगा देंगे। देखो यहाँ पर लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन, अब देखो बोन पेयर रिपल्शन हम दोनों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोन पेयर रिपल्शन। अब बताओ जल्दी से यहाँ पर कि हम कहाँ पर रखेंगे, हम एटम्स को कहाँ पर रखेंगे, अब आपको समझना है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, अब देखो लोन पेयर यहाँ पर क्या है, बोन पेयर रिपल्शन है, यहाँ पर भी बोन पेयर रिपल्शन है, तो दोनों का रिपल्शन इक्वल है। पहले मॉलिक्यूल में इन CH4 रिपल्सिव फोर्स आर इक्वल, इट्स मीन्स वॉट, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, फर्स्ट में। सेकंड में क्या होगा, यहाँ पर LP-BP रिपल्शन है जो कि ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू BP-BP, तो इन NH3 LP-BP रिपल्शन इज मोर देन BP-BP रिपल्शन, सो थीटा वन की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू थीटा टू। ठीक है, और लास्ट में इन H2O LP-LP रिपल्शन इज ग्रेटर देन
एलपी बीपी रिपल्शन और यहाँ पर बीपी बीपी रिपल्शन, ठीक है। तो सो थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा थ्री, मतलब ये थीटा वन पड़ा होगा, ये थीटा टू और ये थीटा थ्री, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेंट थियरी, बेंट थियरी, बेंट थियरी के हिसाब से एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, इसलिए ही बताया, अगर आपका परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है बोन्स में तो आपका एंगल भी बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब हम परसेंटेज एस करेक्टर निकालना सीखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, कार्बन का sp3 हाइब्रिड है, तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर 25% है, sp3 और सिमेट्रिकल है ना, तो ये 25, यहाँ पर भी परसेंटेज एस करेक्टर कितना है 25, यहाँ पर भी परसेंटेज एस करेक्टर कितना है 25। यहाँ पर देखो लोन पेयर है तो ये इसको इधर खींचेगा तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाएगा तो एंगल बढ़ जाएगा, इससे जो होगा इससे जो जुड़ने वाला एंगल होगा वो बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा वन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर नीचे जाएगा तो ये वाला तो ऐसा हो जाएगा और ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, मतलब आपका स्फेरिकल शेप का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा स्फेरिकल शेप का, थोड़ा सा ये आपका स्फेरिकल शेप का ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पर भी कौन सा शेप का हो जाएगा बच्चों, स्फेरिकल शेप का हो जाएगा। तो इसके बीच जो एंगल था वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब थीटा वन, ये भी एस करेक्टर बढ़ेगा, ये भी एस करेक्टर बढ़ेगा। जब दोनों में एस करेक्टर ज़्यादा है तो थीटा वन बहुत ज़्यादा होगा, इसमें एक में एस करेक्टर ज़्यादा है एक में इक्वल है तो यहाँ पर थीटा टू होगा। यहाँ पर दोनों में एस करेक्टर की बात नहीं की है तो इसलिए यहाँ पर थीटा थ्री आपका सबसे लेस होगा, तो बोथ आर करेक्ट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी कंसेप्ट है, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन आप समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अब हमको क्या करना है, समझते हैं डायपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। डायपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को अब हम देखते हैं यहाँ पर, विच मॉलिक्यूल इज क्वेश्चन, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर एंड नॉन पोलर। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब आपको बताना है कौन सा आपका पोलर होगा कौन सा आपका नहीं होगा। ये आपका एन एच थ्री, सेकेंड आपका है एन एफ थ्री, थर्ड आपका है पी एच थ्री, फोर्थ आपका है सी सी एल फोर, फिफ्थ आपका है सी एफ फोर, सिक्स्थ आपका है बच्चों यहाँ पर एक्स जी एफ फोर, सेवन्थ आपका है बच्चों यहाँ पर सी एच सी एल थ्री, एट्थ आपका है यहाँ पर बच्चों बी आर आई थ्री माइनस, ना एट्थ आपका बी आर आई थ्री, नाइन्थ आपका है बच्चों यहाँ पर एक्स जी ओ थ्री, टेंथ आपका है बच्चों यहाँ पर पी एच थ्री, ठीक है। इन सब का आपको बताना है कौन सा आपका पोलर होगा कौन सा आपका नॉन पोलर होगा। सो पोलर और नॉन पोलर पता करने से पहले आपको इसकी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा, पहला रिवीजन लेक्चर देखा होगा, तो उसको आप रिपीट करिए, रिकॉल करिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, शेप बनाइए, आंसर निकालिए। तो मैं डायरेक्टली शेप बनाता हूँ, अब देखो इसको रिकॉल कर लेना एक बार। अब देखो यहाँ पर आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले अपना आंसर निकाल लो, फिर इसके बाद NH3 का शेप कैसा होगा बच्चों। अब देखो सबसे पहली बात है कि पोलर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को पोलर होने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और डायपोल मोमेंट हम कैसे निकालते हैं बच्चों, किसी भी बॉन्ड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से, मतलब हमेशा जो डायपोल मोमेंट का एरो होगा वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर ऊपर जाएगा,
यहाँ पर ऊपर जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाएगा और यहाँ पर टोटल ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हो इन तीनों का जो नेट होगा वो पूरा ऊपर जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो म्यू नेट आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका पोलर। ये बात समझ में आ गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को अब हम समझते हैं बच्चों यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या होगा एन एफ थ्री। एन एफ थ्री के बताओ, एन एफ थ्री के केस में ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा F। अब तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज़्यादा है यहाँ पर इन दोनों में से, फ्लोरीन की ज़्यादा है ऑब्वियसली, फोर है। यहाँ पर नीचे जाएगा एरो, यहाँ पर भी नीचे जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाएगा। तो देखो यहाँ पर फ्लोरीन की वजह से नेट रिजल्टेंट आएगा, यहाँ लोन पेयर की वजह से। तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो जाएगा। यहाँ पर म्यू नेट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो जाएगा, नॉट जीरो, जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो। तो इसको भी हम क्या मानेंगे, पोलर कंडीशन में मानेंगे, लेकिन इसकी पोलैरिटी कम होगी, लेकिन इसकी पोलैरिटी कम होगी। और यहां पर ध्यान देना अगला अगला कौन सा बच्चा हमारा, पी एस थ्री का अगर मैं शेप बनाना चाहूँ, आप लोगों को बता रखा है, आप लोग उस तरीके से बना सकते हैं। ये एच, ये एच, ये एच। अब बताओ पी एस थ्री में बच्चों यहाँ पर फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट सेम होती है। तो यहाँ तो एरो का साइन नहीं बनाया, लेकिन यहाँ बना दूंगा तो यहाँ पर भी आपका म्यू कहाँ जा रहा है बच्चों, म्यू आपका जीरो तो नहीं हो रहा, कैंसिल तो नहीं हो रहा एक दूसरे से। यहाँ पर म्यू देखो, यहाँ पर म्यू ऊपर जा रहा है, इन तीनों की वजह से नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ लोन पर था, यहाँ पर कुछ और था, दोनों का कैंसिल नहीं हो सकता। इन तीनों का रिजल्टेंट मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा ना रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन तीनों का रिजल्टेंट, ये वाला एफ की वजह से, ये वाला लोन पेयर की वजह से, तो दोनों कटेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, इन तीनों के रिजल्टेंट आपको कहाँ जाएंगे, इन तीनों का नेट अगर रिजल्टेंट निकालो तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो मतलब ऊपर गया और ऊपर एक और एरो है जो और ऊपर पहुँचा रहा है, तो दोनों क्या होंगे, एड होंगे। यहाँ पर दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन जीरो के इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका पोलर मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा, ये भी आपका पोलर मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गई आप लोगों को, इतना काफ़ी है, सिंपल है बच्चों, ठीक है। सबका आप हम देख सकते हैं, काफ़ी ईजी कंसेप्ट है, देखो काफ़ी ईजी कंसेप्ट है, आप लोग समझ सकते हैं बच्चों। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन अब हम करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, CCl4। अब देखो CCl4 में बनाता हूँ, ये मैंने सीएल बना दिया, ये मैंने सीएल बना दिया, ये मैंने सीएल बना दिया, ये मैंने सीएल बना दिया। अब क्या करोगे आप लोग बच्चों, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा, कैसे सोचोगे। देखो यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये होगा, यहाँ से यहाँ जाओगे ये होगा, यहाँ से यहाँ जाओगे ये होगा, यहाँ से यहाँ जाओगे ये होगा। दिस इज़ अ एरो फॉर बॉन्ड पोलैरिटी। अब देखो यहाँ पर CCl4 मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, इन तीनों की वजह से कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो नेट रिजल्टेंट भी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले की वजह से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाला सीएल की वजह से, नीचे वाले भी किसकी वजह से, सीएल की वजह से, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर इसका नेट रिजल्टेंट नीचे जाएगा, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन पोलर, ठीक है। यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। अब ये वाला आपको होमवर्क में करना है, आपको सबकी ज्योमेट्री निकाल के करनी है, ठीक है, ज्योमेट्री निकाल के करनी है। इसमें भी आपको क्या निकाल के करनी है, ज्योमेट्री, इसमें भी आपको क्या निकाल के करनी है, ज्योमेट्री, ठीक है। ये आपका रिपीट हो गया, चलो ठीक है, हटा दो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये वाला आपको कैसे करना है, ये वाला मैं आप बता रहा हूँ 8th नंबर का, फिर आपको खुद से करना है, ठीक है। तो 8th नंबर का क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों अब हम, BrI3। देखो BrI3, अब इसमें अब हम मैं देखना चाहूँगा तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, इसका शेप आपका कुछ ऐसा होगा, ये लोन पेयर दो ऐसे होंगे। आपको पता है लोन पेयर को हम इक्विटोरियल पोजीशन पे क्यों रखते हैं, अभी भी बताया था बच्चों बेंट रूल में, इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर को वहाँ रखते हैं जहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, और परसेंटेज एस करेक्टर TBP शेप में इक्विटोरियल पोजीशन पर ज़्यादा होता है। ये आई। अब देखो इसकी वजह से आपका डायपोल मोमेंट कहाँ जाएगा बच्चों, इधर जाएगा। इन दोनों का नेट जो निकलेगा वो लोन पेयर की वजह से निकलेगा, जो इसको पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ
नॉन पोलर, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल लिया मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब एक चीज़ जान लो बच्चों, अगर जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या दिखाता है, डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन दिखाएगा मतलब इस, ठीक है। लेकिन अगर नॉन पोलर होगा वो ना तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ना ही आपके मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। नॉट शो एनी टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन, एनी टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन, किसी भी टाइप का आपका डिफ्लेक्शन को शो नहीं करेगा। आई होप सो कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चंस को डील कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अब हम मैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा। आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।